गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलोइडी सोल्स को बनाने के लिए कंडेंसेशन मेथड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोलोइडी सोल को बनाने के डिस्पर्शन मेथड्स के बारे में चर्चा की थी, और आज के इस वीडियो में हम कोलोइडी सोल को बनाने के कंडेंसेशन मेथड्स यानी कि संघनन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संघनन विधियों में क्या होता है कि पदार्थ के छोटे अणुओं या आयनों को विभिन्न भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा यानी कि फिजिकल या केमिकल मेथड्स के द्वारा हम उन्हें जॉइंट करवाते हैं या कंबाइंड करवाते हैं और कोलोइडी आकार के कण प्राप्त कर लेते हैं। तो मुख्य जो कंडेंसेशन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, यदि उनकी वाष्प को किसी विलायक में से प्रवाहित कर दिया जाए तो ये कंडेंस होकर उनके कोलोइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पारे और गंधक के सोल इसी विधि से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है आपके अत्यंत शीतलन से, यानी कि बर्फ का जो कार्बनिक विलायक पेंटेन या क्लोरोफॉर्म में कोलोइडी विलयन अत्यंत ठंडा करने पर बनाया जाता है। तीसरा है विलायक का परिवर्तन करके, यानी कि ऐसे पदार्थों के सोल बनाए जाते हैं जो जल में तो अविलेय होते हैं किंतु अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, जैसे गंधक, फॉस्फोरस आदि के कोलाइडी सोल, यानी कि इन पदार्थों के जो एल्कोहली विलयन को जल में डालने पर ये कोलाइडी सोल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर है आपके ऑक्सीडेशन मेथड्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सल्फर, आयोडीन आदि के कोलाइडी सॉल्यूशन जो है इनके विलयनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में H2S गैस को प्रवाहित किया जाता है तो सल्फर का कोलाइडी सोल प्राप्त हो जाता है। यह है ऑक्सीडेशन मेथड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ हमने देखा कि H2S में जो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, लेकिन जब सल्फर सोल बन गया है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या रह गई है, 0। ठीक है, फिर है आपके यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण में, यानी कि आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्राय गंधक का कोलाइडी विलयन बन जाता है जब प्रथम समूह के फिल्टर में द्वितीय समूह के अवक्षेप के लिए H2S प्राप्त करते हैं, तो यदि मिश्रण में ऑक्सीकारक फेरिक आयन तथा क्रोमेट आयन उपस्थित हो। इसी प्रकार से ऑक्सीकारक के तनु विलयन में H2S प्रवाहित करने पर गंधक का सोल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके थर्ड एग्जाम्पल है कि HI के HIO3 से ऑक्सीडेशन से आयोडीन सोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपके नेक्स्ट एग्जांपल है कि रिडक्शन मेथड के द्वारा, तो लेड, सिल्वर आदि के जो कोलोइडी सोल है इनके लवणों के अपचयन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके गोल्ड का यहाँ पर साल्ट है AuCl3, इसकी एक्शन जब टिन क्लोराइड से करवाई जाती है तो गोल्ड का कोलाइडी सोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन टैनिक एसिड से करवाई जाती है तो सिल्वर सोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपके मेथड जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस, यानी कि कम धन विद्युतीय धातुओं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन आदि धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों के सोल उनके लवणों के जल अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्राप्त होता है। ठीक है, इनके फेरिक क्लोराइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलोइडी सोल आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है आपको कोलोइडी सोल को प्राप्त करने के लिए डबल डिकम्पोजिशन या उभय अपघटन। तो इस तरह की अभिक्रिया जो है वो एविले लवण के कोलोइडी विलयन बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड सोल को आर्सेनिक ऑक्साइड के ठंडे विलयन में H2S गैस को प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड यानी कि As2S3 का कोलोइडी सोल प्राप्त करना है तो उसके लिए आर्सेनिक ऑक्साइड के ठंडे विलयन में H2S गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो पीले रंग का आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी सोल प्राप्त होता है। फिर है आपके मर्क्यूरिक साइनाइड विलयन में यदि H2S गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो मर्करी सल्फाइड का सोल बनेगा। इसी प्रकार से अगर सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम ब्रोमाइड को प्रवाहित किया जाएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइडी सोल मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब सोडियम सिलिकेट की रिएक्शन HCl से करवाई जाएगी तो यहाँ पे सिलिसिलिक अम्ल का कोलोइडी सोल आपको प्राप्त होगा।
अब जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक है कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडी विलयनों में कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है या कोई विलय की अशुद्धियां रहती है, तो इन अशुद्धियों की उपस्थिति में कोलाइडी विलयनों का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें सेपरेट कर दिया जाए और इसके लिए कुछ मेथड्स काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड है डायलिसिस, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं, सच्चे विलयन होते हैं, उसमें उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पार्चमेंट पेपर या जो वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से छानने पर निकल जाते हैं, जबकि कोलोइडी सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज़ बड़े होने के कारण ये पार्चमेंट पेपर या एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन के पोर्स से डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो किसी क्रिस्टलोइड को मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज़न द्वारा कोलोइड सॉल्यूशन से पृथक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और सबसे पहले डायलिसिस या अपोहन नाम दिया था आपके ग्राहम ने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अशुद्ध कोलाइडी विलयन को वेजिटेबल या फिर हम बोले एनिमल मेम्ब्रेन वाले थैले में से भरकर जल से भरे हुए पात्र में डुबाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो आयोनिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो धीरे धीरे घुल के जल में डिफ्यूज़ हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं और कोलोइडी सॉल्यूशन जो है वो प्योर हो जाता है। फिर सेकंड मेथड है आपके इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इस प्रक्रिया में जो डायलिसिस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जल के किसी कंटेनर में पारगम्य झिल्ली वाले यानी कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन वाले थैले के दोनों ओर दो इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड और एनोड लगा दिए जाते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो जो थैले में भरे हुए कोलोइडी सॉल्यूशन में उपस्थित आयन जो है वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों की ओर तेज़ी से ट्रांसमिट होने लग जाते हैं, तो उनके डिफ्यूज़न की रेट बढ़ जाती है। और जब ये डायलिसिस विद्युत के प्रभाव में किया जाता है इसलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है। फिर तीसरा मेथड है आपके अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन अति शुष्क निस्संदन, यानी कि कोलोइडी सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स की साइज़ है वो बड़ी होती है। तो यदि फिल्टर पेपर को एसिटिक एसिड में कोलोइडियन के सॉल्यूशन से संसेचित कर दें तो पोर्स की साइज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी कि यदि नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम एसिटिक अम्ल के कोलोइडन सॉल्यूशन से डुबो लें उसके अंदर तो पोर की साइज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस प्रकार के फिल्टर पेपर में से क्या होता है कि जो आपके लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम या फिर हम बोले कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है वो तो निकल जाते हैं लेकिन जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं और वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम और जो ट्रू सॉल्यूशन के कणों को हम बोले कोलाइडी लिक्विड से हम पृथक करने की इस प्रक्रिया को बोलेंगे अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। क्योंकि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर जिसे हम एसिटिक एसिड के कोलोइडन सॉल्यूशन से संसेचित कर लिया यानी कि उससे इसका ट्रीटमेंट किया है उसमें डुबोकर, तो पोर साइज छोटे होने के कारण कोलोइडी पार्टिकल्स तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, जबकि लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम और आपके ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो कोलोइडी कणों को फिर से जो है डिस्पर्शन मीडियम में हम जो है परिक्षेपित करेंगे और शुद्ध कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस यानी कि कोलोइडी विलयनों के गुणधर्म। तो सबसे पहला है हिट्रोजीनस नेचर ऑफ कोलोइडी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने देखा था, चर्चा की थी पहले वीडियो में कि कोलोइडी सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है, हिट्रोजीनस नेचर होती है यानी कि दो फेज दिखाई देती है, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज, जिनकी दोनों की अलग अलग स्टेट होती है, दो फिजिकल स्टेट यहाँ पर होती है, ठीक है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि डिस्पर्शन मीडियम में
जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए कोलोइडी विलयन जो है वो बाईफेज सिस्टम है, ठीक है। फिर सेकंड है आपके स्टेबिलिटी। तो सामान्यतया जो कोलोइडी सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक या हम बोलें कि अनंत काल तक सॉल्यूशन में निलंबित रहते हैं, और पैंदे में ये स्थिर एकत्रित नहीं होते हैं, यानी कि हम बोले कि पात्र के पैंदे में ये इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन जब उच्च गति वाली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखे जाए तो ये पैंदे में बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोलाइडी पार्टिकल्स का माध्य अणुभार उच्च होने के कारण इनका जो परासरण दाब है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होता है, कम होता है। फिर है आपकी चौथी प्रॉपर्टी है फिल्टरेबिलिटी, यानी कि निस्पंदता, यानी कि कोलोइडी सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से तो पार हो जाते हैं, लेकिन जो आपके पार्चमेंट पेपर या हम बोले कि एनिमल मेम्ब्रेन से पार नहीं हो पाते हैं, ये इनकी फिल्टरेबिलिटी है। फिर जो पांचवी प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन की वो है काइनेटिक प्रॉपर्टी या ब्राउनियन मोमेंट। तो सन 1927 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो माइक्रोस्कोप द्वारा ये पाया कि जो कोलाइडी सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेस के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्पर्शन मीडियम में लगातार क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन मीडियम में कोलोइडी कणों की ये जो रैंडम मोशन है जो कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं ब्राउनी मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो गुण है वो प्रत्येक कोलाइडी विलयन का गुण है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने ब्राउनी गति के कारण की व्याख्या जो है वो काइनेटिक थ्योरी के आधार पर की, काइनेटिक गैसेस की जो थ्योरी है उसके आधार पर आइंस्टीन ने इस ब्राउनी मोशन के कारण की व्याख्या की। तो उन्होंने बताया कि कोलाइडी कणों पर जो है डिस्पर्शन मीडियम के गतिशील कणों का विपरीत दिशा में असामान्य बल कार्य करता है, इससे कोलाइडी कणों का पथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, और वो जिगजैग मैनर में गति करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी भी अंधेरे कमरे में जहाँ पर जो है प्रकाश का कोई एक बीम दिखाई देता है, लाइट की बीम दिखाई देती है, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो साधारण जो निलंबन के कण है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल है, वो ज़्यादा भारी होने के कारण ब्राउनी मोशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो सन 1968 में टिंडल ने पाया कि यदि एक तीव्र प्रकाश पुंज को, लाइट की बीम को, किसी कोलोइडी सॉल्यूशन में से गुजारा जाए तो जो प्रकाश पुंज का मार्ग होता है, यानी कि जो पाथ है लाइट की बीम का, वो उसी प्रकार दीप्तिमान होकर चमकने लगता है कि जैसे किसी अंधेरे कमरे में किसी शुष्क छिद्र में से आते हुए प्रकाश में जो डस्ट के पार्टिकल है वो चमकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है टिंडल का, उसने नाम दिया इसे टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यानी कि जब लाइट के बीम को किसी कोलोइडी सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है तो जो प्रकाश पुंज का जो मार्ग है वो चमकने लगता है, और किस प्रकार से चमकता है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक शुष्क छिद्र में से लाइट की बीम में हम देखते हैं कि डस्ट के पार्टिकल चमकते हैं, उसी प्रकार से फिर यहाँ पर जो है लाइट के जो पाथ है वो यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो टिंडल इफेक्ट कहलाया, यानी कि कोलाइडी विलयनों को ट्रू सॉल्यूशन से ये डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी यूजफुल है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि यदि प्रकाश की किरण को किसी ट्रू सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है तो वह उसमें से प्रवाहित हो जाता है, वह हमें नज़र नहीं आता है, अर्थात प्रकाश पुंज का मार्ग जो है वो पूर्णतया अदृश्य ही रहता है, ठीक है। जबकि अगर कोलाइडी सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है तो वो लाइट की बीम का जो पाथ है वो चमकता हुआ हमें बाद में दिखाई देता है, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव की जो व्याख्या है वो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन से की जाती है, ठीक है। यानी कि कोलाइडी कणों का आकार जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा कम होने के कारण ये प्रकाश को क्या परावर्तित नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रकाश का क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्प्शन करने लगते हैं और चमकने
लगते हैं कोलाइडी कण, है ना। तो फलतः प्रकाश इनमें से ही हमें निकलता हुआ नजर आता है, इसलिए ये चमकते हुए दिखाई देते हैं और टिंडल एंगल बनाते हैं। तो अंधेरे कमरे में वायु के साथ मिले कण भी एक कोलाइडी सिस्टम है, ठीक है, जिनमें से क्या होता है, गुजरते हुए प्रकाश पुंज का मार्ग प्रदीप्त यानी कि चमकना, प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, शाइनिंग हो उठना भी टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। तो वास्तविक विलयन में अणुओं का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए वे प्रकाश का उतना प्रकीर्णन नहीं कर पाते, लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पाते और टिंडल इफेक्ट जो है ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते। जबकि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उनमें क्या है कि कोलाइडी पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो प्रकाश के जो वेवलेंथ है उसके तुलना में कम होने के कारण ये प्रकाश को परावर्तित तो नहीं कर पाते और क्या होते हैं कि ये जो है लाइट पार्टिकल को एड्जॉर्ब करने लगते हैं और चमकने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जो लाइट जो है वो इन्हीं कोलोइडी पार्टिकल से निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपके टिंडल इफेक्ट हो गया। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर के कारण होता है, यानी कि लाइट की स्कैटरिंग क्यों होती है कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो ये डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ओके। तो द्रव विरोधी कोलोइडी विलयनों के लिए इस अंतर का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए जितना ज़्यादा जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक में जितना ज़्यादा अंतर होगा टिंडल इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो द्रव स्नेही जो सोल है यानी कि जो लायोफिलिक सोल है उनमें ये जो है अंतर है वो कम है, इसलिए इनमें टिंडल इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो कोलोइडी विलयनों तथा वास्तविक विलयनों में विभेद करने के लिए जो है यूजफुल है, ठीक है। फिर है आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम इलेक्ट्रो फोरोसिस भी कहते हैं, वैद्युत कण संचलन भी कहते हैं, जो क्या होती है कि कोलोइडी कण जो है वो चार्ज होते हैं कोलोइडी पार्टिकल्स के ऊपर, किसी न किसी प्रकार का चार्ज रहता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में ये जो कण है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने लगते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों के एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या बोलेंगे वैद्युत कण संचलन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आर्सेनिक सल्फाइड है उसमें इसी प्रकार से गोल्ड तथा सिल्वर के जो ऋणावेश सोल में यदि इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है तो जो कोलोइडी पार्टिकल है वो एनोड की ओर एकत्रित होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सोल क्या है, ऋणावेशित है, ठीक है, तो ये एनोड की ओर एकत्रित होंगे। इसी प्रकार से यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के धनावेशित सोल है तो जब इनमें विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो ये कोलोइडी कण जो है वो कैथोड की ओर एकत्रित करने लगते हैं, क्योंकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एनोड पर आपके कैथोड पर सॉरी आपके नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर जो है आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पहुँचकर डिस्चार्ज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रभाव से धनावेशित कणों का कैथोड की ओर संचलन तो कहलाता है कैटाफोरोसिस, और विद्युत धारा के प्रभाव से ऋणावेशित कोलाइडी कणों का एनोड की ओर संचलन कहलाता है एनाफोरेसिस, ठीक है। तो कैटाफोरोसिस जो है उसके लिए कुछ टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, तो वो यानि कि धन कण संचलन यानि कि कैटाफोरेसिस के कुछ तकनीकी उपयोग इस प्रकार है, यानि कि क्या एप्लीकेशन से कैटाफोरेसिस की, तो देखो यानि कि चिमनी से निकलने वाले जो कोलोइडी धुएं से कार्बन के कणों को दूर किया जाता है, ठीक है, यानि कि चिमनी से जो कोलाइडी कण निकलते हैं धुआं जो निकलता है उससे कार्बन के कणों को दूर किया जाता है। इसी प्रकार से रबड़ का भी विद्युत निक्षेपण जो है वो कैटाफोरोसिस का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से मैल के कणों को दूर करना, कार के धातु के हिस्सों को पिगमेंट से रंगना, गटर व नालों के गंदे पानी को साफ कर सिंचाई में काम लेना, ये सब जो है कैटाफोरोसिस के यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो कैटाफोरेसिस में क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह से धनावेशित कणों का कैथोड की ओर संचलन, कैथोड की ओर गमन कहलाता है आपके कैटा
फोरेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोड, जबकि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो जो है वैद्युत कर्ण संचलन या हम बोले कैटाफोरेसिस का जो प्रदर्शन है वो एक यू नली में कोलोइडी सॉल्यूशन को भरकर उसमें इलेक्ट्रोड जो कि प्लेटिनम का बना हुआ होता है डुबोकर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं कि आर्सेनियस सल्फाइड का जो सोल है जो कि ऋणावेशित कोलोइडी सोल है से कोलोइडी कर्ण जो है वो एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसकी ओर जाने लग जाते हैं और वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और जो कैथोड है जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है पर स्वच्छ विलयन शेष रह जाता है। इससे क्या पता चलता है, इसे पता चलता है कि आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो एक ऋणावेशित कोलोइडी सोल है, क्योंकि जो आपके आर्सेनियस सल्फाइड के सोल में जो पार्टिकल है वो एनोड की ओर मूव करते हैं, ठीक है। फिर है आपके नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपके कोलोइडी सोल की, वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस यानी कि वैद्युत परासरण। तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश के इंडक्शन इफेक्ट के कारण क्या होता है कि डिस्पर्शन मीडियम के कणों पर भी थोड़ा बहुत आवेश आ जाता है, परंतु इसकी जो प्रकृति है वो कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के बिल्कुल क्या होती है, अपोजिट होती है। अपोजिट होगी जब भी आपके कोलोइडी सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा, अगर जो है डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस पर एक जैसा ही चार्ज रहेगा तो जो है कोलाइडी सोल की स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि डिस्पर्शन मीडियम में जो चार्ज आता है वो डिस्पर्स फेज के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो यदि वैद्युत कण संचलन प्रयोग में यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोग में कोलाइडी सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित करते समय पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन रखकर कोलाइडी कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाने से रोक दिया जाए तो क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन को पार करके उपयुक्त दिशा में अभिगमन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो डिस्पर्शन मीडियम के अभिगमन की जो दिशा है वो कोलाइडी कणों के संचलन की दिशा से विपरीत होगी, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। और जो है हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस से क्या मतलब है हमारा, कि जो पोरस मेम्ब्रेन में से आपके द्रवों का या हम बोले कि विलायक का निकलना कहलाता है आपके ऑस्मोसिस। तो विद्युत प्रभाव में कोलाइडी कणों को स्थिर रखने पर, ठीक है, यानी कि हम वैद्युत कण संचलन को क्या कर रहे हैं, एक बार उसको स्थिर रखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि जो डिस्पर्शन मीडियम का किसी इलेक्ट्रोड की और एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर में से अभिगमन कहलाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ओके। फिर है आपके कि एक नली में क्या है, दो एनिमल मेम्ब्रेन लगाकर इसको तीन भागों में विभाजित करके मध्य सी के भाग में कोलोइडी सॉल्यूशन तथा अन्य दो भागों ए और बी में हमने क्या भर दिया, डिस्पर्शन मीडियम यानी कि जल भर दिया, ठीक है। तो इन दोनों कक्षों में झिल्लियों के पास हमने दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा कि एक ओर की नली में जल का स्तर ऊपर बढ़ने लग जाएगा, तो इस कारण क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम क्या है गति करने लगता है, चलने लगता है, जबकि झिल्लियों से कोलोइडी सॉल्यूशन जो है कोलोइडी पार्टिकल्स जो है वो नहीं निकल सकते। हम जानते हैं कि पार्चमेंट पेपर या जो है एनिमल मेम्ब्रेन से कोलोइडी पार्टिकल जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जो सोल के कण जो है वो विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, ठीक है, तथा जो माध्यम का स्तर है वो विपरीत आवेश वाले कक्षों में बढ़ता है, ठीक है, ओके।